क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको भी बाल छिलवाना पड़े, इसलिए आपको बुद्धि होनी चाहिए कि बाल कैसे कटवाया जाता है, गंजा कैसे रहा जाता है। अरे क्या लेना देना है इस देश को भाई, कि आप कैसे नहाते हैं, कैसे खाते हैं, कहां जाकर के बाल मुड़वाते हैं, क्या लेना देना है इस देश को, ये सारी चीजें ही महत्वपूर्ण हो गई। तो जो कार्रवाई इन्होंने किया है उन्हीं से जो है हम डेटा प्राप्त करते हैं। आजकल इनको मतलब सीमा पे जो जवान लड़ रहे हैं उनसे गजब की मोहब्बत उमड़ गई है। तो हमको तो लगता है कि मोदी जी को तो बच्चा नहीं है, बाकी जितना भाजपा नेता को बच्चा है वो सब फौज में भेजने वाला है, ऐसा ही है क्या? हमको कहता है कि तुम सेना के खिलाफ बोलते हो। हम सेना के खिलाफ नहीं बोलते हैं, सेना का सच बोलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे घर से 16 लोग फौज में नौकरी करते हैं और मेरा अपना कजिन भाई जो है वो इंसर्जेंसी में सीआरपीएफ की नौकरी करते हुए मारा गया है। मैं शहीद के परिवार से आता हूं और आपके तरह मेरे भी नाना जी जो है वो स्वतंत्रता सेनानी थे। इसलिए मैं इसमें सवाल पूछता हूं, वन रैंक वन पेंशन का एक आंदोलन चल रहा है कि शहीदों का, सॉरी सैनिकों का, और आज तक यह पॉलिसी लागू नहीं की गई है। और आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि पिछले एक साल में 310 सैनिकों ने आत्महत्या की है, आत्महत्या की है। पता है क्यों? छुट्टी नहीं मिलती है, पीएफ ठीक से नहीं मिलता है, परिवार को साथ में रखने की इजाजत नहीं है, और हनुमान थप्पा का फोटो लगाते हैं या अगरबत्ती जलाते हैं, कोई इनसे नहीं पूछता है कि हनुमान थप्पा की जान क्यों गई, पाकिस्तान की गोली या चाइना की गोली से नहीं गया था, एवलांच में वो मारे गए, बर्फीले तूफान में मारे गए। अगर उनको एवलांच प्रूफ, अरे मोदी जी आप जब बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके घूमते हैं तो सैनिकों के लिए एवलांच प्रूफ टेंट नहीं हो सकता है, ये सवाल कोई इनसे पूछता नहीं है। जहां कहीं भी आप देख लीजिए जो भी बात ये बोलते हैं कहीं भी डिलीवरी नहीं है। आजकल कह रहे हैं स्किल इंडिया, एस साइलेंट है उसमें और किल इंडिया हो रहा है। 12,000 किसान मर गए, 310 सैनिक मर गए, स्कूलों कॉलेजों में विद्यार्थी आत्महत्या कर रहे हैं, और जो इनके ऊपर सवाल उठा रहा है उनको पुलिस गोली मार देती है। पुलिस भी क्या करेगी? पुलिस इस पेशो पेश में है और इस बात को समझ नहीं रही है कि सारा भ्रष्टाचार गृह मंत्री कर लेगा और ठेका कांस्टेबल पे डाल देगा, और वो कैसे होता है इस बात को समझना पड़ेगा। मैं बार बार कहता हूं भ्रष्टाचार की कोई नीति नहीं होती है, नीतियों में भ्रष्टाचार होता है, और नीतियों के भ्रष्टाचार के चलते इस देश के अंदर जो गैर बराबरी पैदा होती है उस गैर बराबरी के चलते बहुत सारे लोगों को भ्रष्टाचार करना पड़ता है, भ्रष्ट होना पड़ता है। और कोई भी भ्रष्टाचार के इस सवाल पे नीचे लोअर लेवल पे जो करप्शन हो रहा है उस पे सवाल उठाता है कोई भी मुंह चल करके बोल देगा, जो ऊपर लेवल पे करप्शन होता है उसके बारे में कोई नहीं बोलता है। आपके लिए जो चमचमाती सड़क बनाई जाएगी, स्मार्ट सिटी स्मार्ट होगा और जो है गांव जो है वो बेकार होगा। ये संकल्पना देखिए, एक को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। अरे देश स्मार्ट क्यों नहीं होगा? हम स्मार्ट देश बनाते हैं, स्मार्ट सिटी में क्या रखा है? ये इसलिए है कि असली सवालों पे कोई चर्चा नहीं हो। और नीतियों में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि दाल घोटाले में दाल क्या किया गया, खरीदा गया पूंजीपतियों के द्वारा, समझ ही गए होंगे। हैंड लेफ्ट और राइट दो ही तो है मोदी जी के पास, इधर अंबानी है इधर अदानी है, तो बीच में जो ये है। तो अदानी साहब की कंपनी ने दाल खरीदा और कंपनी भी फर्जी, दाल खरीदा देश के किसानों से 100 रुपए में, वापस सरकार को 200 रुपए में बेच दिया, और दाल कहीं नहीं गई, दाल यही घूमती रही समंदर में, वापस आकर के देश के लोगों को बेच दिया गया। और दाल आप 200 रुपए खरीद रहे हैं ये तो महंगाई है, और उसमें 1,76,000 करोड़ का कमीशन खाया गया, कोई इस पे सवाल नहीं उठाता है। एक एक जो फ्लाईओवर बनता है, जिस फ्लाईओवर के बनने के बाद रोज आपसे टोल वसूला जाता है, उसमें जो WTO से पैसा लिया जाता है, वर्ल्ड बैंक से जो पैसा लिया जाता है, उस लोन में कमीशन खाया जाता है नेताओं के द्वारा, इस पे कोई चर्चा नहीं होती। इस पे चर्चा क्यों नहीं होती है? प्राइवेटाइजेशन के नाम पे
अच्छी फैसिलिटी के नाम पे एक एक करके सरकारी चीजों को बर्बाद किया गया। मेरा तो एक सवाल है, जब स्कूल प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, सड़क प्राइवेट, जहां आपको हमेशा टोल देकर के आना और जाना है, तो इस देश का संसद क्यों सरकारी हो, इस देश का प्रधानमंत्री क्यों सरकारी हो, उसका कार क्यों सरकारी, उसका सूट क्यों सरकारी हो, फिर वो भी प्राइवेट होना चाहिए? ये नहीं होगा। मंत्री जी सरकारी रहेंगे, लेकिन मंत्री जी जो नीति बनाएंगे वो प्राइवेट रहेगा, और उस प्राइवेटाइजेशन के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया जाएगा, और उस भ्रष्टाचार का ठीकरा इस आम देश के लोगों के ऊपर फोड़ा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश के अंदर शिक्षा पे 2.5% जीडीपी का और हेल्थ पे 1% खर्च किया जाता है, और ये पूरा का पूरा जो हेल्थ इंश्योरेंस का बिजनेस है, पब्लिक के पैसे से प्राइवेट अस्पतालों को चलाया जा रहा है। और तर्क क्या देते हैं कि प्राइवेट संस्थान बेहतर होता है। एक सवाल है हमारा इस सरकार से कि किसी भी एक फील्ड में जो सरकारी संस्थान है वो प्राइवेट से कमजोर हो, उसका एक उदाहरण हमको लाकर के दे दीजिए। कुछ पत्रकार मित्र बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप ही सोचिएगा मन में कि इस देश का सबसे बेहतरीन पत्रकारिता संस्थान कौन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन सरकारी है। इस देश का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज कौन है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स है। इस देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन है? जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU सरकारी है। इस देश का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT है। इस देश का बेस्ट साइंस इंस्टीट्यूट कौन है? इसरो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है। ये सबका सब सरकारी है। ये एक भ्रम हमारे दिमाग में पैदा किया गया, और ये क्यों पैदा किया गया? ये इसलिए पैदा किया गया है, और बकायदा बीजेपी की मंत्री ने यह कहा कि सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए क्योंकि वहां कन्हैया पैदा होते हैं। कन्हैया से इतनी दिक्कत क्यों है? रोहित बेमुला से इतनी दिक्कत क्यों है? नजीब से इतनी दिक्कत क्यों है? क्योंकि हमारे बाप का नाम धीरू भाई अंबानी नहीं है। और मैं इस बात का प्रिविलेज नहीं हूं कि मां के कोख में पहुंचते ही हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी आ जाती है। हम इस देश की मेहनत का आवाम है जो इस देश को अपनी मेहनत से चलाते हैं, और जब हम चलाते हैं तो अपनी ही मेहनत से उन संस्थानों में पहुंचते हैं, और जब हम पहुंचते हैं तो इतिहास पढ़ते हैं। आपकी तरह इतिहास में फेल नहीं होते हैं। और पढ़ते हैं फिर ये सवाल खड़ा करते हैं कि बिरसा मुंडा का इतिहास क्यों नहीं लिखा गया, क्यों भगत सिंह को आज भी UPSC के पेपर में आतंकवादी कह दिया जाता है, क्यों आज भी इस देश के अंदर वो तमाम लोग जो गुमनामी के अंधेरे में है उनका कोई इतिहास नहीं लिखा जा रहा है, क्यों इस देश की संस्कृति पे सही तरीके से सवाल नहीं खड़ा किया जाता है, क्यों इस देश की राजनीति अर्थव्यवस्था पे सही तरीके से संघर्ष नहीं किया जाता है? इस बात को जब हम समझते हैं तो उस पंक्ति को चरितार्थ करते हैं जिसमें यह कहा गया है, विश्वविद्यालयों के बाहर, कॉलेजों और स्कूलों के बाहर लिखा रहता है, शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। चिंता मत कीजिएगा, आपके सब्सिडी के पैसे से पढ़े हैं, मोदी जी के ताऊ का पैसा नहीं है। आपके हक के लिए कदम कदम पे लड़ेंगे, और इस शरीर में बहने वाले रक्त का एक एक कतरा तब तक बहा देंगे जब तक कि समाज के अंदर न्याय नहीं सुनिश्चित किया जाता है। इसीलिए हमारी जो विरासत है ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की, हम तर्कपूर्ण तरीके से चीजों को समझना चाहते हैं, और समाज के अंदर जितनी भी गैर बराबरी है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो संस्कृति के आधार पे हो, चाहे वो जाति और पहचान के आधार पे हो, या लिंग के आधार पे हो, अर्थव्यवस्था के आधार पे हो, या राजनीति के आधार पे हो, इन तमाम गैर बराबरी के खिलाफ लड़ने का हमारा कमिटमेंट है। और उसी कमिटमेंट से एनर्जी लेते हुए, आपके सहयोग और समर्थन को देखते हुए, आपको क्रांति बीज मानते हुए, यह लॉन्ग मार्च विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए आज इंदौर की इस ऐतिहासिक धरती पर है। हमारा सवाल सीधे तौर पर है कि हमको सबके लिए शिक्षा चाहिए, सबके लिए काम चाहिए, सबके लिए आत्मसम्मान चाहिए, और इस देश के अंदर जो लूट मची है हम पब्लिक सेक्टर को डिफेंड करना चाहते हैं, जो हमारा सेकुलरिज्म है, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, उसको हम डिफेंड करना चाहते हैं। और उसमें हम कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने बनाया हो या राम ने, हमको धर्म बचाने की जरूरत नहीं है, धर्म के द्वारा बनाए गए उन इंसानों को बचाने की जरूरत है जो खेत में मर रहे हैं, बॉर्डर में मर रहे हैं, फैक्ट्रियों में मर रहे हैं, घरों और दफ्तरों में मर रहे हैं, उस इंसानियत को बचाने का बीड़ा हमने उठाया है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप हमको बांटना बंद कीजिए, देश का टुकड़ा करना बंद कीजिए, ये हम होने नहीं देंगे, क्योंकि हम उस लेगेसी से आते हैं जिसमें मुसलमानों का लिखा गीत
हिंदुओं के मंदिरों में बसता है, इसीलिए उस लेगेसी को हम बार बार इन्वोक करना चाहते हैं, उसको बचाना चाहते हैं। और हमने तय किया है कि हर सूरत में हम सेकुलरिज्म को डिफेंड करेंगे, हर सूरत में हम अपनी भागीदारी मांगेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम मेहनत का जग वालों से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, सारी दुनिया में न्याय की स्थापना के लिए, भागीदारी के लिए हम कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया जाए। और ईवीएम को हैक करके आपका जो कॉन्फिडेंस आया है, आजकल आप सीएम हैक करने लगे हैं, तो आपको कह देना चाहते हैं ना ईवीएम हैक होने देंगे ना सीएम हैक होने देंगे। और यह जो चुनावी प्रक्रिया है जिसमें 31% वोट लेकर के आप अपना 56 इंच का सीना दिखा रहे हैं, तो हम 69% के लोग हैं, छोटी लकीर के सामने एक बड़ी लकीर खींच करके आपको हराएंगे और चुनाव सुधार करके एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को स्थापित करके, यह जो अल्पसंख्यक की सरकार बनती है, अल्पमत की सरकार बनती है, उसको हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। 100 हमको 31% की नहीं 100% की सरकार चाहिए, इसलिए हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की जो बात करें। इन मुद्दों को लेकर के किस देश के नौजवानों को जानबूझ करके भीड़ हिंसा में झोंका जा रहा है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा अलग अलग तरह का गलत इंफॉर्मेशन फैला करके उनको भीड़ का हिस्सा बनाया जा रहा है और सरेआम लोगों की हत्या की जा रही है। उस हत्या को रोकने के लिए और युवकों का जो असली सवाल है, रोजगार का सवाल, हम कह रहे हैं कि हमने जितनी पढ़ाई की है, हमारी योग्यता के हिसाब से हमको नौकरी दीजिए। अगर नौकरी नहीं दे सकते हैं तो बेरोजगारी भत्ता दीजिए, क्योंकि संसद में बैठ करके आप भी कोई काम करते नहीं है, चिल्लम चिल्ली करते हैं। तो आप जब भत्ता ले सकते हैं तो हम भी बेरोजगार होने के नाते इस देश में भत्ता के हकदार हैं, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भगत सिंह नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बनना चाहिए। और ये जो मुद्दे हैं उसको लेकर के ये लॉन्ग मार्च निकला है और इस संदेश के साथ निकला है कि लाल सितारा नीले आसमान में निकलने से कोई रोक नहीं सकता, तुम काला बादल फैलाओ या भगवा बादल फैलाओ, ये बादल हम छांट के रहेंगे। इंदौर में तुम्हारी हिम्मत और हिमाकत को हमने देखा है, पूरे मुल्क में तुमको चुनौती देंगे, इसीलिए यह लॉन्ग मार्च इस साहस संगीत के साथ आगे है कि इस लड़ाई में, इस संघर्ष में सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा काम नहीं है, सिर्फ एंटी मोदी बात करना हमारा काम नहीं है, हमारे पास एक प्रॉपर एजेंडा है इस देश की मजलूम जनता के लिए, इस देश की बहुसंख्यक आबादी के लिए। और आपने संस्कृति के नाम पर, प्रतीकों के नाम पे जो उधम मचाया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए। और याद रखिएगा कि जब हमने तय किया है, जब हमने कोशिश की है, तो हमारी जीत होगी। हम मानते हैं कि उसमें कठिनाई होगी, इसीलिए तो कहा गया है वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूर न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। आप प्रतिकूल धारा बनाइए, हम बेहतरीन नाविक की तरह इस देश की कश्ती को निकालेंगे और बार बार आजाद मुल्क में आजादी का तराना गाएंगे, क्योंकि हम गुलामी फैलाने वाले नहीं, गुलामी को मानने वाले नहीं, गुलामी पे चलने वाले नहीं, हम आजादी के दीवाने हैं। इसलिए हर बार आजाद देश में बची खची गुलामी के खिलाफ पुरजोर तरीके से आजादी का नारा लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं। शुक्रिया इंकलाब के लिए। हम लोग आखिरी चरण में हैं और बची खुची गुलामी के साथ। और अभी जो मेधाताई के बारे में कहा गया, मैं एक बात जोड़ देता हूं कि मेरी मेधाताई से बात हुई, उनके साथ जो अटेंडेंट हैं उनसे बात हुई, और भी जो कार्यकर्ता नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए उनसे बात हुई। मेरी इच्छा थी कि मैं उनसे जाकर के मिलूं और उस आंदोलन में शामिल हूं, और बस इंदौर से इसी एक बात का मन में छोटा सा गिल्ट लेकर के लौट रहा हूं कि सुरक्षा कारणों से मुझे ना वहां जाने दिया गया है ना मिलने दिया गया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको बीच कहा है, खास करके जो हमारे नौजवान साथी हैं, आप पूरी मजबूती से नर्मदा बचाओ आंदोलन के उस स्पिरिट के साथ जुड़ेंगे और आदर्श पुनर्वास के नाम पे जो अस्तबल में लोगों को रुकने का इंतजाम किया गया है उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और यह सवाल सरकार से पूछेंगे कि आपका विकास आया है हरियाणा में, जो लड़की का पीछा कर रहा है, तो उस आपके विकास के आईने में इस देश के मजलूमों का चेहरा क्यों नहीं दिखता है।
और अगर हमारा चेहरा उस विकास के आईने में नहीं दिखेगा तो उस आईने को हम तोड़ देंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे। और हमारा विकास सच में सबका विकास है, आपकी तरह जुमला नहीं है। तो उस जुमलेबाजी के खिलाफ, बची खुची गुलामी के खिलाफ आजादी का तराना। तो हम क्या चाहते हैं? आजादी है, हक हमारी आजादी।